और ए के मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है। ए के मिश्रा जी, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री का आज का तेवर और कलेवर और ज्यादा आक्रामक था, ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एजेंसियों का, सरकार का जो एक मिशन मुहिम चल रही है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग इतने हताश हो गए हैं कि मेरी कब्र खोदने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन फिर भी राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, निमंत्रित करने के लिए। सर बड़ा प्रासंगिक है, बड़ा रुचिकर है, और तीन बिंदुओं पे मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। जी पर देखिए, भारतीय मतलब भारत की जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र है। कुछ लोग अली को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपके साथ बैठे भी होंगे, मान सकते हैं, किसी ने रोका तो नहीं। कुछ लोग बजरंग बली को मानते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या अगर बजरंग बली को वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? कार्य की अभीष्ट सिद्धि जहां पे चाहिए, कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, समुद्र को लागना असंभव था, रावण की लंका में आग लगाना असंभव था, तो सनातनी हमेशा बजरंग बली, ऐसे दुष्कर कार्यों को करने के लिए बजरंग बली को ही अपना इष्ट मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दूसरा जो आपने बोला सुप्रीम कोर्ट चले गए, अरे साहब सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं चले गए, दुनिया के तमाम कोर्ट में गए, हार्वर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए, इनकी हालत वो हो गई है, रामायण का ही चरित्र है, काग भुजुंडी, उसने सीता माता के पैर में चोंच मारी थी, उसको पूरे ब्रह्मांड में किसी लोक में किसी देवता ने, नर ने, दानव ने, किन्नर ने, राक्षस ने शरण नहीं दिया। भ्रष्टाचारी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने भारत माता के पैर में चोंच मारी है, पता नहीं किस आत्मविश्वास में आके कहां से इनको बल मिला था, सब जगह चले गए, हार्वर्ड कैम्ब्रिज जाके चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान जाके कि भाई बचाओ बचाओ, भारत माता के पैर में जिन्होंने चोंच मारी है, भारत माता का स्थान भी हमारे लिए सीता माता जैसा है, आप जनता की अदालत में भी ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जनता भी इनको इनके गुनाहों ठीक है परी नहीं, ठीक है जमानत जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है ठीक, अब अभी रुके, दोबारा मैं फिर आता हूँ पास जी। एक मिश्रा जी, एक बात तो तय है जी, चावल पका है कि नहीं पका है, केवल एक चावल देख करके आपने बड़ी मार्के वाली बात की है। पिछले 70 सालों भ्रष्टाचार की बातें तो होती थी, एक दूसरे की सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और भयंकर लगाते थे, जो आपने दिया कि मुख्यमंत्री के चैंबर में पैसा लिया जा रहा है। सवाल यही है, जनता का विश्वास इनके ऊपर क्यों नहीं होता, विपक्ष के ऊपर? हालांकि मेरी शुभकामनाएं है कि भाई आप चुनाव में तो बोलते हो लेकिन हार्ड कोर एक्शन क्यों नहीं लेते हो, अरे किसी के खिलाफ लोग, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और मायावती से ज्यादा कट्टर दुश्मनी किसी दो पार्टी में नहीं रही होगी, लेकिन दोनों सरकारें एक दूसरे के बाद आई और गेस्ट हाउस हत्याकांड, गेस्ट हाउस वाला जो कांड हुआ था उसमें किसके खिलाफ क्या जो है कार्यवाही हुई मुझे आज तक नहीं पता, कुछ हुई FIR वगैरह, कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ कि नहीं हुआ, ये इनका पास्ट बताता है कि कहीं ना कहीं से जनता को ये लगता है कि सारी सरकारें मिली, जनता ये बोलती भी है कि अरे सब मिले हुए हैं, सारे नेता एक है। अब फर्क यहाँ पे बीजेपी फर्क ये लाई कि वो हार्ड कोर एक्शन ले रही है, चाहे एक के ऊपर ले चाहे 10 के ऊपर, कईयों को जेल भेजा, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ हो या ना हो दूसरे से तो ये बेहतर है, और जनमानस को कनेक्ट कर रही है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। यही काम चाहे अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल क्लासिक है, अन्ना के गांधी पार्टी के व्यक्तियों को जिनके साथ इनके पास आरोप लगाए उनको जेल भेजा है। आज अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के पक्षपाले में आ जाए तो सब दोनों बाहर आ जाए, जमीनी स्तर पर वो कार्रवाई कानून भाई देखो हमें ठीक है ठीक है। कि मिश्रा जी मैं फिर कहूंगा, आप सब लोग लड़ाई झगड़े वाले आदमी हो, मुझे एके मिश्रा लास्ट कमेंट, छोटा सा लास्ट कमेंट जी कर रहे हैं जी, इन सारे उत्तरों को देने के लिए लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है जो हर 5 साल पे लोकतंत्र लेता है, और उसके परीक्षक 150 करोड़ भारतीय जनता होती है, जो डिग्री उस वक्त मिल जाती है कि भैया ये पास है ये फेल है, हम केवल उसी डिग्री की बात करेंगे, बाकी सारी चीजें छोड़ दी, ठीक ठीक, वो दुनियादारी और नौकरी के लिए डिग्री है वो जी।